दंतेवाड़ा एसडीएम कार्यालय में गुरुवार को भैरमबंद में पदस्थ पटवारी किशोर दीवान और एसडीएम के गनमैन के बीच हाथापाई हो गई। घटना के बाद पटवारी किशोर दीवान ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। ये पूरा मामला 6 महीने पहले भैरमबंद से कटेल कल्याण ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। पटवारी ने आरोप लगाया है कि लगातार मेरा 6-6 महीने में दंतेवाड़ा से भैरमबंद और फिर कटेल कल्याण अल्प अवधि में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह, जब मैं जानने एसडीएम चैम्बर में गया तो गनमैन द्वारा मेरे से मारपीट की गई। मैं किशोर दीवान पटवारी भैरमबंद तहसील दंतेवाड़ा पिछले 6 महीना से पदस्थ हूँ। मैं आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दंतेवाड़ा श्री जयंत नाहटा के विरुद्ध मैं मारपीट करने की उसमें एफआईआर का दर्ज करने के लिए आया हूँ। मेरा अभी 6 महीना में ये दूसरा ट्रांसफर है। पिछला दंतेवाड़ा में मैं 1 साल पहले पदस्थ था, है ना, वो भी अल्प अवधि में नाहटा सर के द्वारा मेरा किया गया, क्योंकि रेस्ट हाउस में वो 1 महीना रुके हुए थे, 1-1.5 महीना करीब। मैंने उनके खर्चा उठाने से मना कर दिया था। उसके बाद तुरंत मेरे को हटा के, मुख्यालय से हटा के दूसरे जगह दे दिए थे। दूसरे जगह से फिर आज मेरे को तीसरे जगह तीसरे तहसील में भेजे हैं। मैं इस बात से आहत होके मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए नाहटा सर के चेम्बर में गया था। मैंने बाकायदा अनुमति लेके उनके चेम्बर में घुसा और अनुमति लेने के बाद उन्होंने बोला, अंदर आने के लिए अनुमति दी। अंदर जाने के बाद मैं स्थानांतरण के उसमें मैं रिक्वेस्ट किया कि सर अभी अभी हुआ है तो जो, और फिर अभी किए हैं अलग तहसील में, तो ये अनुचित है सर, ये जस्टिस नहीं है करके मैं बोला। तो फिर वो चुप हुए, शांत हुए, उसके बाद कटे कल्याण में जाने के लिए बोले। उसके बाद फिर मैं रिक्वेस्ट किया दोबारा, सर ऐसा मत करिए सर, क्योंकि 6-6 महीने में ट्रांसफर ठीक नहीं है और बहुत परेशान हूँ, ऐसा करके मैं उनको बोला। तो उन्होंने चेम्बर से भागो बोला, तो मैं पीछे मुड़ के देखा कि किसी और को होगा, तो फिर देखा कि पीछे कोई नहीं था। फिर उन्होंने फिर भागो करके फिर हाथ उठाया, तब फिर मैं भी थोड़ा उनका विरोध किया कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मैं आपके पास आया हूँ निवेदन के लिए कि आप बार बार एक तो ट्रांसफर कर रहे हैं, इससे मैं परेशान हूँ, और निवेदन करने के लिए आया हूँ तो चेम्बर से भगा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने फिर, उनके बीच में थोड़ा सा हमारी तुतुमय हुई जरूर, उसके बाद उन्होंने अपने गार्ड को बुलाया और उनको गार्ड के माध्यम से मुझे मारने के लिए बोला और चेम्बर से बाहर करने के लिए बोला। तो उनके गार्ड के द्वारा, उनके आदेश पे मुझ पर हाथापाई हुई है। मेरे को 4-5 झापड़ उनके गार्ड के द्वारा मारा भी गया है। इसी के विरुद्ध मैं एफआईआर कर रहा हूँ।